things like reducing the drudgery of women who sometimes have to walk for several miles to collect water to bring home to their homes and families. All these water forms the base of all these different social causes, and it stems from it. So I personally equate water with hope that is brought to the lives of thousands of villages and families when there is water. फिल्म आप करते हैं वो कितना इतना आप बखूबी निभाते हैं कि उसी नाम से हम आपको जानने लगते हैं. और अभी रिसेंटली आपकी फिल्म दंगल जो बॉक्स ऑफिस पे और लोगों के दिल पे राज कर रही है, उस फिल्म के बारे में एक बात सिर्फ मैं कहना चाहूँगी कि जिस सटल तरीके से आपने महिलाओं का मुद्दा एक उठाया है, उसके लिए समस्त महिलाओं की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. और आज वैसे भी सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती है जिन्होंने समस्त महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले, तो सब महिलाओं की ओर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी. और आप अपनी बात कहें ये आपसे विनती करना चाहूँगी. धन्यवाद. थैंक यू. एक्चुअली सीएम सर ने अभी तक देखे नहीं दंगल. मैं रोज़ पूछता हूँ उनको कब देखेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि वो देखें. लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम आज यहाँ सब मौजूद हुए, इकट्ठा हुए हैं सत्यमेव जयते वाटर कप का राउंड टू अनाउंस करने के लिए, उसकी शुरुआत के लिए. और मुझे याद है ये जो हमारा सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, सीएम साहब और मेरी एक मीटिंग हुई थी. और उस मीटिंग में जब मुझे जब पता चला, मैंने सीएम साहब से बताया कि हम लोग सत्यमेव जयते की जो हमारी टीम है सत्यावर में पानी के सिलसिले में कुछ करना चाहते हैं महाराष्ट्र के लिए और हमारी ये सोच है, तो सीएम साहब बहुत एक्साइट हुए. और तब मुझे पता चला कि एक्चुअली उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर चुके हैं, कई महीने हो गए उसको, जल युग शिवार. और उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, हम लोग अलग से मिले और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई. और जब मैंने देखा कि देवेंद्र जी के दिल में जो हमारे सीएम हैं इतना पैशन है इस एक मुद्दे के लिए, तो वो पैशन सीधा सत्य और मेरे में ट्रांसलेट हो गया. और हमको लगा कि हमको डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए. और तभी हमको वो कॉन्फिडेंस भी आया कि हम इसमें आगे बढ़ें. और सीएम साहब की एक लाइन जो है वो मेरे माइंड में एकदम अटक गई. उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ये इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाएं, लोक चळवळ बनाएं. और वो लाइन इतनी पावरफुल लाइन है मेरे हिसाब से. और सीएम साहब ने जो एकदम करेक्ट थॉट हम लोगों को डायरेक्शन दिया कि ये जब पीपल्स मूवमेंट बनेगा तभी महाराष्ट्र जो है वो सूखा मुक्त बनेगा. कोई भी एक इंसान की ताकत की बात नहीं है, लेकिन हर एक महाराष्ट्र अगर इसमें अपना योगदान दे तो हमारा महाराष्ट्र जो है वो सूखा मुक्त हो सकता है. और वही एक बात पकड़ के हम लोगों ने कोशिश की है, हम आगे बढ़े हैं, इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाने की हमने कोशिश की है. और मुझे इतनी खुशी है कि हमारे साथ उद्योगपति जुड़े हैं, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, पीरामल जी की फाउंडेशन, HDFC की फाउंडेशन, बजाज की फाउंडेशन, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं और पूरी ताकत, पूरा सपोर्ट, पूरा कॉन्फिडेंस हमको दिया है. उनके सपोर्ट से ही हम आगे इतना कुछ कर पाए, हमको भी कॉन्फिडेंस मिला है कि हम कर सकते हैं ये. हमारे साथ शांतिलाल मुट्ठा जी जुड़े हैं. कहाँ हैं शांतिलाल जी? हाँ, एकदम सामने बैठे. उनकी जैन, भारतीय जैन संगठना का इतना बड़ा सपोर्ट हमको मिल रहा है. वाटर जो है हमारी नॉलेज पार्टनर है, स्पर्श हमारे साथ जुड़ा है. इतने अलग अलग एरिया से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यही एक पीपल्स मूवमेंट होता है. और हमने देखा कि राउंड वन में तीन तालुका में हमने शुरू किया था ये कोशिश, हमने शुरू की थी. और राउंड वन में हमने देखा कि अनगिनत लोग अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से, कहीं पे बस कंडक्टर्स, कहीं पे विद्यार्थी, कहीं पे हमारे सैनिक, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और श्रमदान कर रहे हैं, गांव के साथ जुड़ रहे हैं. कई संस्थाओं ने उनको सपोर्ट किया अपने आप, हमारे कहने के बगैर. तो पीपल्स मूवमेंट असली समझ से यही होता है. और मुझे इतनी खुशी है कि फर्स्ट राउंड में जो हमको कॉन्फिडेंस मिला, वो कॉन्फिडेंस हमको इसलिए मिला कि जो गांव ने सत्यमेव जयते वाटर कप, जिन जिन गांव ने भाग लिया, वो गांव ने हमको कॉन्फिडेंस दिया कि हम कर सकते हैं, हम अपने बलबूते पे हम ये कर सकते हैं. हमने उनको सिर्फ विद्या दी, उनको नॉलेज दिया और उन्होंने हमको दिखाया कि हमारे में वो ताकत है कि हम कर सकते हैं. जब हमको राउंड वन में वो कॉन्फिडेंस मिला कि महाराष्ट्र के लोग अगर ये ठान ले तो वो खुद अपने गाँव को सूखा मुक्त बना सकते हैं, पानीदार बना सकते हैं, उससे हमको कॉन्फिडेंस आया
और इस साल हम जहां हम 3 तालुका में थे अब हम 30 तालुका में आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ाएं। अगर मैं आपको सच बोलूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है इस वक्त, बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि 3 तालुका से 30 तालुका में जाने में हम पूरा जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन मुझे मतलब मैं तो राउंड 1 में भी डरा हुआ था सर, आपको तो पता है मैं बहुत कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मुझे लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। जितना नर्वस और टेंस मैं अपनी फिल्म के लिए होता हूँ फिल्म की रिलीज से पहले, उससे 10 गुना ज़्यादा मैं इसके लिए होता हूँ। और मैं आपको फ्रैंकली कह सकता हूँ कि जो कामयाबी दंगल को मिली है वो कुछ नहीं है। जब हम राउंड 2 30 तालुका में हमको कामयाबी मिलेगी तब जाके मुझे शांति मिलेगी, और वो कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी होगी हम सबके लिए, और सबसे ज़्यादा खुशी हमको वो देगी। हमारे साथ पोपटराव पवार जी भी जुड़े हैं, मतलब अलग अलग जगहों से। पोपटराव जी तो खैर पानी के काम में बहुत अरसों से वो हमारे साथ रहे हैं और एक दिशा दिया हम सबको। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि गांव के लोगों ने, 3 तालुकों के गांव के लोगों ने हमको दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं और खुद क्या कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी चीज़ हमको देखने मिली फर्स्ट राउंड के एक्सपेरिमेंट में, वो है